अरे विमल की शादी नहीं आ रही है तो बुकिंग कर रहे हैं एडवांस में है नहीं तो मुझसे बात बताते नहीं कोई वो आती नहीं अर्जेंट। तो भैया पार्किंग में लगा दी है गाड़ी और अब जा रहे हैं कुतुब मीनार देखने। तलवार काट के मर गए पटक दिया। अच्छे से गाना गाना पटक दिया। अरे मेरी तो गाना गान का जुगिद्दी के ट्रक पलट गया वाह जुगिद्दी सदन की आस तारे प्रेम इसी की दबा होता है। ओ तो बताओ 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 कद बताओ लपनाओ। ये देखो भाई यहाँ बेटी बैठा है, यहाँ मम्मा और वो दोनों फोन में गुस्से पड़े हैं, यहाँ पे मौसा जी। और गाइस टाइम देखो कितना हो रहा है, 10:12 हो गए हैं। तो गाइस सुबह सुबह जीजा जी चले गए पेपर देने और हम लोग उठ गए थे बहुत जल्दी, लेकिन वीडियो भी शूट कर रहे हैं। ये देखो फुल मस्ती है। ये तो बर्गर किसने खाया था? है मामा ने। खून फेंक डाला, खून भरी आंटी, खून भरी मांग, खून भरी मांग। हम कह रहे थे हम कह रहे हैं तुम कह रहे हम भाई मैं कह रहा हूँ जब मम्मू को एड़ा बेड़ा बना के छोड़ेंगी देखना तुम्हारा टोटा मार के रखूंगी। खराते सुनाते खून हो पी गई। भाई देखो इनका सुबह फोन चालू हो गया। चलो चलना नहीं है यहाँ छोड़ के जाना। वाह देखो ये पिट रहा। अबे नहीं नहीं पहले तो काम तो करोगे तब पर जाओगे। पहले तो काम करना पहले रहो तब जाओगे। अब रह चुके हैं चलो दीदी आप तो अच्छे कर को यार। चलना यार, यार। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तेजाब छोड़ो तुम। अरे तेजाब क्या कर रहे हो? तो गाइस अभी 12:10 है और अब हम लोग इस होटल से चेकआउट करने वाले हैं। द एरो करके होटल है, तो इस होटल को मैंने ओयो के थ्रू बुक करा था क्योंकि ओयो में इमेजेस अच्छी दिखा रही थी और स्पेसिफिक एरिया यही था, मुझे यही रुकना था, इस वजह से मैंने ये बुक करा था। तो यहाँ पर पता है क्या स्कैम चल रहा है कि जब तुम ओयो के थ्रू बुक करोगे तो तुम्हें मैंने जैसा बुक करा था 1000 में 2 रूम थे, ठीक है। वो तुमसे क्या करेंगे रिजर्वेशन अमाउंट ले लेंगे लगभग वही 220-230 ऐसा कुछ करके, उसके बाद फिर रिमेनिंग रह जाएगा तुम्हारा 700-800 जितना 1000 में बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे जब तुम काउंटर पे आके दिखाओगे कि भैया ये 700 की पेमेंट है मैं कर दूं, मतलब रूम चेक करने के बाद जैसा कि होता है हम लोग किसी भी होटल पे जाते हैं पहले रूम को देखते हैं कि कैसा रूम है, उसके बाद फिर हम उसको करते हैं। तो यहाँ पता क्या स्कैम चल रहा है कि तुम आओगे जैसे ही डेस्क पे दिखाओगे और वो तुम्हारे में 900 या 1000 रुपए का सर्विस कोई ऐड कर देगा, ठीक है। जब तुम पेमेंट करने के सेक्शन पे जैसे ही अंदर जाओगे तो वो डायरेक्टली तुम्हारा 600 का 1500-1600 बन जाएगा, तो 1000 तुम्हारा एक्स्ट्रा पड़ा। तो ऐसे यहाँ आने पे तुम्हें वैसे तुम्हें 1000 के 2 रूम पड़ेंगे, लेकिन जब तुम यहाँ आओगे तो वही तुम्हें 2000 के 2 रूम पड़ जाएंगे। हमें चलो इंडिविजुअल 1000 या 1200 रुपए पड़ेगा। तो ये झोल कर रहे हैं होटल वाले। और ओयो को जब मैंने इसी बात के लिए कॉल करा तो खैर ठीक है, उन लोगों ने मेरा रिफंड इनिशिएट करा, मतलब मुझे बोला कि वो रिफंड हो जाएगा, तो इन्होंने करा, तो वो अमाउंट मुझे उतने का पड़ा। और फिर जब मैंने बोला कि रूम की फोटोज नहीं मैच कर रही तो फोटोज का सेम पता है, जब मैंने बोला तो यहाँ का वॉशरूम वॉशरूम सब गंदा है, तो उन्होंने फिर क्या करा ओयो ने उस चीज को ठीक है उसके लिए बस 20% का ओयो मनी में रिफंड दे दिया। तो अल्टीमेटली मेरा 80% का अमाउंट तो गया ना यार। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ओयो को बिल्कुल प्रेफर मत करो, क्योंकि ओयो अब बहुत ज्यादा मतलब सही नहीं रह गया है, क्योंकि वो दिखाते कुछ है सर्विस कुछ है, होटल पे आओगे तो कुछ बात होती है, ऑनलाइन कुछ और दिखाता है। तो मुझे लगता है इनको अभी अपने सर्विस पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और बाकी होटल का नाम है कैपिटल ओ और कुछ नंबर है 9292 करके और द एरो करके दिखाता है यहाँ पर रोहिणी में। तो
अगर भैया यहाँ का बुक कर रहे हो तो इस स्कैम से बचो, और अगर तुमने पूरा पेमेंट ऑनलाइन कर दिया तो यहाँ के वो कहेगा भैया इतने में हो नहीं पाएगा, तो तुम्हें ओयो में ही कॉल करके बात करनी पड़ेगी, फिर वो रिफंड करेंगे। तो इससे मुझे बेटर लगता है कि तुम ऑफिशियल जो होटल्स के हैं उन पे जाओ और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से होटल को पहले कांटेक्ट करो, फिर जाके वहां पर रुको, ठीक है। तो अभी हम लोग मथुरा रुकने वाले हैं, तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, मैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू नहीं जाऊंगा। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि सिक्योरिटी फर्स्ट ना, और रूम कैसा है ये भी मैटर करता है। ये रूम बहुत चीप क्वालिटी लगा मुझे, खैर ठीक है, मतलब हम लोग को अब रात हो गई थी इसलिए यहाँ रुकना जरूरी हो गया था, तो हम लोग रुके। अभी क्या, बस हम लोग चेकआउट ही कर रहे हैं, अप्रोक्स 12 बज रहे हैं, सारा सामान पैक वैक हो गया है, देखो इधर ये बैग वैग लग गया है, और बस अब हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे सारा सामान गाड़ी में रखेंगे और निकलते हैं, और फिर उसके बाद पहुंचते हैं मथुरा, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ चल रहा है इनका मेकअप, तो गाइस यहाँ सब लोग तैयार हो गए हैं और सबने अपना अपना सामान उठा लिया, हमने भी उठा लिया, चलो चलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल लिए हैं, टाइम हो रहा होगा 12 बज गया होगा और यहाँ पे अंधेरा है, देखो हम देख नहीं रहे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं गुरुग्राम, जिसे हम लोग गुरुगांव भी कहते हैं। तो गाइस वहाँ से हम लोग जाना है पारुलगढ़ के यहाँ मेकअप करवाने, तो ये करवाई अपना मेकअप है ना। नहीं क्यों, अरे विमल की शादी नहीं आ रही है तो बुकिंग कर रहे हैं, नहीं तो मुझसे बात बताते नहीं कोई, आती नहीं अर्जेंट, फालतू बात मत करना। हमने अपनी शादी में बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि मतलब मैं नहीं आती हूँ, तो विमल शादी दिल्ली से नहीं प्लान हो रही, हम लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली दिल्ली शादी करेंगे तो फिर पहले से बुकिंग कर लेते, दुल्हनिया ले जाएंगे। चलो भाई आ गई हमारी नो स्मोकिंग, लेकिन स्मोकिंग कर दो भाई। हम लोग आ गए अपनी गाड़ी के पास, सब लोग बैठ रहे हैं, हम भी बैठते हैं, खुल नहीं रहा। तो गाइस हम लोग बैठ गए गाड़ी में, पहले हम लोग जाने वाले थे मेट्रो से, सोचा था टाइम बच जाएगा, मतलब ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ट्रैफिक में ना फंसने के लिए मेट्रो से जाना पड़ता है, लेकिन यार गाड़ी छोड़ नहीं सकते थे, और गाड़ी छोड़ते तो दोबारा यहीं आना पड़ता, फिर से उतना ही चक्कर लगा, तो इसलिए मैं हम लोगों ने सोचा गाड़ी से। चलो गाइस चलते हैं अभी फिलहाल गाड़ी से, कर लिए हम लोग यहाँ से। यहाँ जा रहे हैं दवा लेने क्योंकि थोड़ा सा सबकी तबीयत में। और तुम क्या खाने लगे बैठते ही, क्या है ये? चॉकलेट। चॉकलेट है, चोकोज है, क्या है? क्या तुमको भूख लगाई है और क्या? ये है पारुलगढ़ का स्टूडियो, यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आप लोग बड़ा बड़ा सा, ये सही है। चलो पहले पूछ लेते हैं थोड़ा सा ऐसे ही, फिर चलते हैं। देखो हम लोग हैं पार्सल करके स्टूडियो में, एकदम छा गया है, मजा आ रहा है, एकदम बैठी बैठी है, देखो लिपस्टिक लेने के लिए कह रही है, उधर चल रहा है फोटोशूट ब्राइड्स का। विधु कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है इसको, क्या भाई। हम लोग आके पेट्रोल पंप वहाँ से निकल लिए थे, हम लोग जो भी काम था वो कर लिया और यहाँ पे आ गए हैं। गाइस अभी भी कुछ खाया पिया नहीं, अभी पहले टंकी भरवाते हैं उसके बाद खाते पीते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं हल्दीराम, और सबको भूख लगी थी तो यहाँ पे हम लोग खाएंगे अभी कुछ, है ना। और देखो फूल, देखो यहाँ पे कितने सही लगे, देखो बहुत प्यारे फूल है यहाँ पे। चलते हैं अंदर अभी, देखो हम लोगों का यहाँ खाना आ गया, कितने सही तरीके से दिया है ना, ये देखो नॉर्मल रोटी है, ये बटर रोटी है, तो हम लोग खाने नहीं क्योंकि हम लोगों को जुकाम है, तो वे तो खाएगा ये वाली है ना, है? तो भैया पार्किंग में लगा दी है गाड़ी और अब जा रहे हैं कुतुब मीनार देखने।
वहाँ चल रहे हैं ये हम सब चल रहे हैं। चलो पहुँचते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं कुतुब मीनार। तो देखो दिख रही है आप लोगों को थोड़ी थोड़ी। तो भाई ये टिकट अगर यहाँ से लिया तो टिकट और हमने ले लिया, 40 रुपए का मिला। कितने का? 40 का, 40 रुपए का टिकट। चलो चलते हैं। तो भाई देखो आ गए हम लोग कुतुब मीनार के अंदर और बस यहाँ घूम रहे हैं, अब देखते हैं कैसा है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe. तो भाई हम लोग जा रहे हैं लॉ स्तंभ। इधर है लॉ स्तंभ जो बहुत पुराना है और ये देखो कुतुब मीनार इतनी ऊंची है। ये है लॉ स्तंभ, 1600 साल पुराना, इनकम्प्लीट है। Of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. टूट जाएगा फोन और ना टूट रहा। देखो भैया वो अपने मोटे के साथ यहाँ घूम रहा है, अब फोन बज गया। मतलब हम कहीं घूम रहा हूँ, फोन ना बजे ऐसा हो नहीं सकता। ओ साले साहब का फोन। हेलो, हाँ वही है जहाँ थे। हाँ जा सुसु करने को तुम उतरे थे, वही तो आए। इधर ही घूम रहे मोटे, यही रुको वो आ रहे। अब पटन आ रही, हम दोनों जा रहे हैं अलाई मीनार की तरफ। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से आवाज सही नहीं आ रही। अगल से समझ में आ रहा होगा तबीयत सही नहीं। अभी तो ये पहली मंजिल है तो अभी से भाई जंजीरों का शेप देखो यार, जंजीरों में बांध के टांग देंगे फोन निकलेगा इसे जाएंगे, समझ रहा। हाँ। जाएंगे यार। कुछ खाने को दो तो खाएगी, कुछ है नहीं मेरे पास। बज गया है 7:30। हम लोग दिल्ली में ही टहल रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ भैया रोड में लगा है तमाम खाने पीने का माल। आप लेते हैं और जीजा जी आ गए हैं तो निकलते हैं हम लोग। आज कहाँ जाएंगे? आज जाएंगे वृंदावन या मथुरा। जाएंगे मथुरा या वृंदावन, कहीं भी रुकेंगे जाके। तो अभी फिलहाल चलते हैं, खाते हैं गोलगप्पे अपने, निकलते हैं। मेरे बाबू थोड़ी सी तबीयत अभी दवा खानी है एक और। तो गाइस बच गया 10:15 और हम लोग निकल लिए थे दिल्ली से नोएडा से, और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कौन सा है पता नहीं, यहाँ पे बर्गर रखते हैं। तो चलो चलते हैं यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। अरे साल देख, ये कट कर, ये कट 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 करना है। और गाइस हमारे होगा छाले तो कोई बात नहीं, हम वो ले ले रहे हैं लेकिन। और अभी चलना है, हम लोग खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे और हम लोग जाना है वृंदावन। 10:15 बज गए हैं, पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। तो चलो भाई चलते हैं। भाई देखो ये है वो जगह जहाँ ये बर्गर किंग कह रहा था मार दिन जापड़ा पड़ा। बढ़िया जगह है यार, फोटो शूट बढ़िया हो सकता है यहाँ। तो भाई यहाँ पे डोसा और राजमा चावल खा के वहाँ रख दी गई प्लेट, और जगह दूसरा खाना आ गया फिर से। चलो भैया खा लेते हैं। तो गाइस हम लोग होटल पहुंच गए, रूम आज का रूम बढ़िया है। तो चलो सोते हैं, अभी थक वक गए, सुबह उठ के दर्शन करें। ये सेट रूम। भाई साहब का फोन कहाँ है? हमें क्या पता, फोन आपका उसी में होगा गाड़ी में।